अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को कुकिंग विद आंका सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको मिल सके। तो ये चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है करेले चिकन। और चिकन भी हम लोगों ने यहाँ पर वॉश करके रख लिया, करेले भी रख लिए हैं यहाँ पर, प्याज भी। और मज़ेदार से जौन से ये करेले चिकन की रेसिपी है, कैसे तैयार होगी, इसकी तरकीब क्या है, ये किस तरह बनेगी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। ये मैंने एक किलो करेले काट लिए, नमक लगा के रख दिए थे, तो फिर मैंने निचोड़ लिए अच्छी तरह। ये देख लें आप, ठीक है, निचोड़ लिए। तो नमक लगा के ना 1.5 चम्मच नमक का लगाया था मैंने, फिर धूम में रख दिए, घंटा 1.5 घंटा धूम में पड़े रहे, फिर मैंने निचोड़ के कर लिए। ये 1 किलो प्याज है, इसमें हरी मिर्ची है, ये धनिया है, मतलब ये टमाटर है। हम वजन लिए, मतलब हाँ जी, भी आपने किलो लिए, प्याज भी एक हाँ किलो लिए आपने। वो मैंने ना ऐसे मोटे मोटे काट लिए, बिल्कुल बारीक, हाँ जी, बारीक बारीक काटेंगे वो बिल्कुल ही खुर जाएंगे प्याज। 1 किलो हमारा मुर्गी का गोश्त है, तो तीनों चीजें ही हम लोगों ने हम वजन लिए हैं। हाँ जी, और तो नमक मैं कम डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच है, क्योंकि ये मुर्गी के लिए। या 1/2 चम्मच हल्दी का, 1/2 चम्मच जीरे का, 1 चम्मच मिर्च का पीसी हुई। और ये धनिया और टमाटर लिए? हाँ, ये धनिया टमाटर, 4 टमाटर है, ये चिकन में डालेंगे ना अब। ठीक है, मतलब पहले चिकन का मसाला तैयार करेंगे हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो पहले ना मैं ना इन्हें तलूंगी। ठीक है, तो चूल्हे पर हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले है जो करेले को फ्राई करना है, रोजे की हालत में जबान स्लिप हो गई, तो फिर करेलों को हम लोग फ्राई कर रहे हैं। और उनको फ्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखना कि मज़ेदार से जो करेले चिकन की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे हम लोगों ने करेले जो हैं ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं, कुकिंग ऑयल हम लोगों ने शामिल कर दिया इसको। इनको हम लोग आप लोगों के सामने ही फ्राई करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह के इसको हमने कलर देना है। तो आप लोगों ने देखना है आज की वीडियो को पूरा, कि मज़ेदार से जो उनसे करेले, क्योंकि सबको पसंद होते हैं, लेकिन मोमन लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये कड़वे बनते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों ने कैसे तैयार करनी है, बिल्कुल कड़वाहट से पाक। हमारे जो मतलब तरीके से कुकिंग विद नाज़रीन के तरीके से जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने हमारी रेसिपी को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को देखना है, और हम आपको ब्रीफली बताएंगे और आपने कीनली इसको ऑब्जर्व करना है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं जो करेले हैं हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं, तो उनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी ये मतलब ग्रीन है और कच्चे हैं, कुछ अभी इनमें कसर बाकी है, तो इसको मज़ीद थोड़ा सा हम लोग और फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको अगर और मतलब फ्राई ना किया तो इसमें जो कड़वाहट अभी वो बाकी है। तो ये देखिए, आप लोग अभी कच्चे भी हैं, कुछ का कलर चेंज हो गया, कुछ का कलर चेंज नहीं हुआ। तो अभी हम लोग इसके कलर को चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो से हमारी चिकन और करेले की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हम लोगों ने पहले करेलों को फ्राई किया, उसके बाद चिकन जो हम लोगों ने बनाना है, और फिर प्याज डालने, किस तरह स्टेप बाई स्टेप ये हर चीज़ हम लोगों ने तैयार करनी है, कब डालनी है, ये आपको दिखा। ये देखिए ना, अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं, और थोड़े से ना है सफ़ेद सफ़ेद वो भी हो जाए, क्योंकि अगर वो कच्चे रख लो ना हरे हरे से वो कड़वे ज़्यादा होते हैं। हमारे ना करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होते, थोड़ा सा और ना गोल्डन कर दीजिए, फिर इसे निकाल के ना प्याज करूँगी, फिर बाद में मुर्गी का करूँगी। अच्छा, मैं आप ना इसे निकाल के ना फिर आपको दिखाती हूँ क्या काम। हाँ जी, ये प्याज ना फूल से ना स्प्रे कर लेगा। तो थोड़े से ना स्प्रे से करने हैं प्याज, उसके बाद ना फिर मुर्गी का काम करते हैं। आपने देखे ही होंगे ये कितने करेले, कितने सारे से फिलिंग कितने हो गए, थोड़े से हो गए हैं। Thank you.
पाँच मिनट मैं निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये हमारे ना प्याज हो गए, अब मैं ना इन्हें निकाल लेती हूँ उन करेलों में जो मैंने करेले पहले स्प्रे किए थे ना, उनमें निकाल लेती हूँ, फिर भी इसके बाद ना मुर्गी का करते हैं। हल्के से ना करती हूँ ना ब्राउन से, फिर इसमें मैं मुर्गी डाल दूँगी। हाँ जी, ये लहसुन अदरक और टमाटर मुर्गी हमने अच्छी तरह ना इसमें भूनती हूँ। लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया, टमाटर भी भून के ना फिर इसमें मसाला डाल दिया। अभी पाँच मिनट भूनूंगी इसे मैं। अभी ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने डाल दिए, अब अच्छी तरह ना भूनते हैं इसे। पाँच मिनट भूनूंगी अच्छी तरह, क्योंकि पहले भी पका है, और भून के अच्छी तरह ना थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे गोश्त डाल दिया, दम पे लगा देते हैं। पाँच मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, पाँच मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह हमने भून लिया। अब मैं ना थोड़ा सा पानी डाल के पाँच मिनट इसे पकाती हूँ अच्छी तरह, गोश्त डाल दिया। फिर वो जो करेले हैं प्याज है ना सारे दम लगा देंगे। और ये मैं पाँच मिनट ना पकने के लिए रख देती हूँ ढक के, पाँच मिनट बाद। अभी पाँच मिनट हमने पका लिया, और मैं ना इसमें प्याज करेले डाल देती हूँ पाँच मिनट के लिए, फिर हम दम पे लगा देंगे इसे, फिर अच्छी तरह ना ये हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि चिकन भी हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। साथ ही मम्मा ने इस दौरान पहले इसको चिकन को पकने के लिए रख दिया था, और जो उनके करेले और प्याज आप लोगों के सामने हम लोगों ने तैयार किए हैं वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो मम्मा इसको हम लोग दम पर रख देंगे अब दोबारा से, ये दम पर रख देंगे ना पाँच मिनट के लिए। तो देखा कितने सारे करेले थे, कम हो गए। तो करेले पहले काफ़ी सारे थे, मतलब शिलिंग हो गए कि पानी जो है इनका खुश्क हो गया है। तो प्याज हम लोगों ने इसलिए मोटे मोटे काटे थे ताकि वो मुझे कौन से हैं नजर आए। काम भी वैसे ज़्यादा होता है ना, बिल्कुल, क्योंकि तीन जगह इसका काम करना होता है, मतलब चिकन में चाहे कीमे में जिस तरह बनाने हैं आपने, तो तीन जगह आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आप लोगों ने कहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, मज़ेदार से जो से करेले चिकन है वो कैसे फाइनल होंगे। ये देखें माशाल्लाह कैसे प्यारे बने करेले, घी भी आ गया है माशाल्लाह। अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है करेले चिकन वो तैयार हो गई है। तो मैं कहते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए हमें अपनी फीडबैक दें। और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि मैं को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी टाइमली मिलते रहें। तो व्यूअर्स, हम आप लोगों से जा सकते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।